हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल वी आर गोइंग टू डिस्कस द विजन आई करंट अफेयर ऑफ अक्टूबर 2020. द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज फ्रॉम द सिक्योरिटी सेक्शन ओके सिक्योरिटी सेक्शन में एक न्यूज़ है जो हम कवर करने वाले हैं एंड इसके पहले हमारा जो है पॉलिटी और कंस्टिट्यूशन का कंप्लीट सा डिस्कशन हो गया है उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशन भी कंप्लीट हो गया है एंड इकोनॉमी का सेक्शन भी कवर हो गया है ठीक है एंड आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसने भी नहीं देखा होगा ये वीडियोज सो दे कैन रेफर द लिंक एंड दे कैन वॉच दैट वीडियो ओके एंड रिगार्डिंग टूडेज सेक्शन जो है सेक्योरिटी का ठीक है एक ही न्यूज़ है जहाँ पर हम रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बॉर्डर मैनेजमेंट ये कवर करने वाले हैं एंड रिगार्डिंग द अदर टॉपिक्स जो बाकी इन्वॉर्मेंट हुआ कल्चर हो गया ठीक है एथिक्स जैसे या साइंस एंड टेक्निक्स जैसे बाकी जो न्यूज हैं वो हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है कवर कर लेंगे ठीक है एंड इफ यू आर न्यू इन अवर चैनल देन प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर द न्यू अपडेट एंड लेट्स स्टार्ट अवर टूडेज डिस्कशन विद द फर्स्ट न्यूज फ्रॉम द सक्योरिटी सेक्शन दैट इज़ रोल ऑफ अ टेक्नोलॉजी इन द बॉर्डर मैनेजमेंट तो रिसेंटली क्या हुआ है हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने सोचा है दे आर वर्किंग टू कन्वर्ट द एग्जिस्टिंग बॉर्डर फेंच जो है ठीक है उसको एक स्मार्ट फेंच में कन्वर्ट करने का उन्होंने सोचा है एंड इट विल भी इंटीग्रेटेड विद सेवर सेंसर्स सेंसर्स जो है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा मतलब जो स्मार्ट फेंच बनाएगा ठीक है वहाँ पर काफ़ी सारे सेंसर्स जो हैं वो डिप्लॉय करेंगे एंड इट विल भी थ्रू द हाइब्रिड मॉडल ठीक है अभी देखा जाए ये स्मार्ट फ्रेंड्स जो है ठीक है अगर उसका कॉस्ट अगर पूरा देखा जाए तो इट विल बी अराउंड द टेन पॉइंट टेन लाख रुपीज लगेंगे पर किलोमीटर के लिए एंड सिक्सटी किलोमीटर इज़ बिंग अटेम्प्ट दिस ईयर ठीक है सिक्सटी किलोमीटर का जो है वो इस साल बनाने का सोचा है ठीक है जितने भी फेंच है ठीक है उसको जो है लीडा सेंसर से कलेक्ट किया जाएगा लीडा दैट इज़ लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स रहेंगे एंड इंफ्रा uh, जो है रेड सेंसर्स है उसके साथ साथ कैमरा भी अटैच रहेगा ठीक है अभी क्या है जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पे उसका अगर टोटल लेंथ अगर देखा जाए ठीक है सेवन हंड्रेड किलोमीटर जो स्टार्ट है ठीक है वहाँ पे जो है इनिशियल जो एग्जिस्टिंग बॉर्डर फ्रेंचेस थे ठीक है उसको एक स्मार्ट फ्रेंचेस में कन्वर्ट करेंगे एंड दस ये क्या होगा एक किसी तरीके से हमें जो है बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा क्यों फॉर द इम्प्रूविंग द सर्विलेंस एंड द चेक इन्फिल्ट्रेशन ठीक है इन्फिल्ट्रेशन का, जैसे काफ़ी ज़्यादा जो एक्टिविटीज uh, होती है जैसे स्मगलिंग हो गया या ट्रैफिकिंग हो गया ठीक है इस सारी जो एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर डिटेक्ट करने के लिए चेक करने के लिए और बाकी जो सर्विलेंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है ये स्मार्ट फेंच बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा ठीक है ये होगी हमारी न्यूज़ ठीक है अभी मैं आपको बताती हूँ कि स्मार्ट फेंच होता क्या है ठीक है तो स्मार्ट फेंच जो बॉर्डर प्रोजेक्ट है ठीक है वो बिल्ड करने जाने वाले हैं कि जो एक कंपेरेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है इस प्रोग्राम के अंडर जो है ये जो स्मार्ट फेंचस्क है ठीक है बॉर्डर प्रोजेक्ट वो लाया लाया है ठीक है और ये बिल्ड होने वाला है इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश की जो इंटरनेशनल बॉर्डर से वहाँ पे और इस जो ये जो फ्रेंचेस जो है ठीक है एट द बॉर्डर इज अ टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन दैट डिवाइस द डिवाइस टू एड्रेस द इश्यू ऑफ अ सिक्योरिटी ठीक है जो सिक्योरिटी इशू होता है बॉर्डर स्टेट्स में ठीक है उसको एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन थ्रू रिजोल्व करने का ये एक मेन इनिशिएटिव है ठीक है ये जो रहेगा स्मार्ट फ्रेंच इट हैज़ अ हाई टेक सर्विलेंस सिस्टम रहेगा ठीक है जहाँ पे जो क्रिएट किया गया है बाय एन इन विजिबल इलेक्ट्रॉनिक बैरियर ऑन अ लैंड वॉटर्स ईयर एंड अंडरग्राउंड एंड विल बी हेल्प द सिक्योरिटी फोर्सेज टू डिटेक्ट द सॉइल सॉरी फॉइल इन्फिल्ट्रेशन बिट्स इन मोस्ट ऑफ द डिफिकल्ट रेल ठीक है जैसे हम जैसे अभी जानते हैं कि जो ह्यूमन सर्वेलेंस थ्रू ही जो है मतलब इंसानी खुद जो है मतलब जो भी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं या जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे डिप्लॉयड है ठीक है डिफरेंट बॉर्डर्स पे तो उ, उनके थ्रू ही जो सर्विलेंस किया जाता है इसलिए क्या होता है काफ़ी जैसे हम जानते हैं सारा टेरेंट जो होता है वो सेम नहीं होता है कहीं पर माउंटेंस हो या कहीं पर रिवर होता है ठीक है इसके वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ डिफ़िकल्ट टेरेंट में जो है सर्विलेंस uh, करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ठीक है तो दिस विज़ द यूज़ ऑफ अ टेक्नोलॉजी दिस इज़ एन सोल्यूशन ठीक है जहाँ पर एक प्रॉपर डिटेक्शन जो है बस एक टेक्नोलॉजी के जो सेंसर्स है या जो भी कैमराज है या जो भी न्यू uh, टेक जो है इक्विपमेंट डिप्लॉय करने वाले हैं वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा फॉर द सिक्योरिटी फोर्सेज एंड ऑल्सो फॉर द सर्विलेंस पर्पज ठीक है अभी ये जो प्रोग्राम के अंडर बनाने वाले हैं ठीक है कंपेर इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है उसके बारे में अगर देखा जाए तो इट इज़ अ रोबस एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम है ठीक है जो कैपेबल है फॉर एड्रेसिंग द गैप बिटवीन द प्रेजेंट सिस्टम बॉर्डर सिक्योरिटी बाय सीमलेसली इंटीग्रेटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज वेपन्स एंड हाई टेक सर्विलेंस इक्विपमेंट ठीक है तो ह्यूमन रिसोर्सेस वेपन्स और हाई टेक जो सर्विलेंस इक्विपमेंट है उसका प्रॉपर इंटीग्रेट करके जो हमारी इनिशियली अभी जो हमें बॉर्डर सिक्योरिटी के सर्विलेंस रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है पड़ रही है उसको एड्रेस करने के लिए ये मेजर प्रोग्राम है ठीक है एंड इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इन डिटेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉज ब्रॉडर क्राइम ठीक uh, है जो कॉस क्रॉस बॉर्डर क्राइम्स चलते हैं जैसे कि इन लीगल इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटीज़ हो गए जैसे कि स्मगलिंग हो गया या किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया या किसी तरीके से क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म हो गया ठीक है इन सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए उसके साथ साथ जो हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज करते हुए ठीक है उनको इंक्रीज करने के लिए जो है ये जो है मेन प्रोग्राम का जो है हम एम, एम बोल सकते हैं ठीक है इट विल ऑल्सो इम्प्रूव द सिचुएशनल अवेयरनेस टू फैसिलिटेट द प्रॉम्प डिसीजन एंड मेक द क्विक रिएक्शन इन द एमरजेंसी सिचुएशन ठीक है और इस प्रोग्राम थ्रो क्या है इस सिस्टम थ्रू हम बोल सकते हैं इट विल इन्वॉल्व द डिप्लॉयमेंट ऑफ अ रेंज ऑफ अ स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी ठीक है स्टेट ऑफ आर्ट सर्विलेंस टेक्नोलॉजी का जो है डिप्लॉयमेंट किया जाएगा अभी इसमें क्या होता है यहाँ पे जैसे थर्मल इमेजर ठीक है इमेजर और इन्फ्रा रेड एंड लेजर बेस्ड न्यू इंट्रिडर अलार्म्स ठीक है ये सारा डिप्लॉय किया जाएंगे उसके साथ साथ ये जो एरियल सर्विलेंस है ठीक है एरियल सर्विलेंस दैट इज टॉप एयर से जो सर्विलेंस किया जाता है उसके लिए भी एरो जो है उसका भी डिप्लॉय uh, किया जाएगा अनअटेंड ग्राउंड सेंसर्स जो भी है वो भी डिटेक्ट uh, करने के लिए जो है इंट्रिशन uh, जो है बेड्स डिटेक्ट करने के लिए यूजफुल रहेंगे रडार सोना सिस्टम एंड अ सेवी सेक्युलर रिवर ब्रेड बॉर्डर फाइबर ऑप्टिक सेंसर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम दैट विल दैट शैल रिसीव डाटा फ्रॉम ऑल सर्विलेंस डाटा डिवाइसेस इन द रियल टाइम ठीक है इस तरीके से जो है

इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड ठीक है इतना पार्ट जो है थोड़ा कम्प्लीट हो गया है ठीक है ट्वेंटी एटीन में क्या हुआ था जो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं उन्होंने क्या किया था एक प्रोजेक्ट अंडरटेक किया था जिसका नाम था बोल्ड क्यू आर टी ठीक है तो इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिक डोमिनेंट क्यू आर टी टे इंटरपेक्शन टेक्निक ठीक है तो इसमें क्या है टू इक्विप द इंडो बांग्लादेश बॉर्डर विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ सेंसर इन अन्फिंश रिवराइन एरिया एंड ऑफ अ ब्रह्मपुत्र एन अ इट्स ट्रिब्यूटरी ठीक है तो हमारी जो बी एफ एस बी एस एफ है उन्होंने ये प्रोग्राम अंडेट किया था ठीक है अभी हम देखते हैं कि रोल क्या है हमारे जो है टेक्नोलॉजी ठीक है हम जो स्मार्ट फेंच बना रहे तो ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि अभी रोल क्या होता है टेक्नोलॉजी का इन द बॉर्डर मैनेजमेंट तो सबसे पहला रोल है कि जितनी भी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अपग्रेड करना ठीक है जैसे हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है कैन बी इंटीग्रेट विद द एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड दस वी कैन इट विल हेल्प टू फैसिलिटेट द बेटर डिटेक्शन ठीक है बेटर डिटेक्शन कर सकते हैं ठीक है थीके? जो भी अभी हम जैसे जानते हैं कि ह्यूमन सर्विलेंस थ्रू ही जो है रिसेंटली हमारे प्रेजेंट बॉर्डर जो है दे आर बिंग गार्डेड एंड दस जो अभी प्रॉपरली जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको अगर इंटीग्रेट कर दिए तो एक जो न्यू जो है ठीक है सिस्टम हम अपग्रेड कर सकते हैं और न्यू जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो है बॉर्डर सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं ठीक है ये हो गया यूज़ नेक्स्ट का है चेकिंग इन्फिल्ट्रेशन एक्टिविटी ठीक है इट कैन बी यूज टू तो डिटेक्ट इन्फिल्ट्रेशन ठीक है किसी भी टाइप का इन्फिल्ट्रेशन हुआ आई थ्रू लैंड लैंड ला, ला, थ्रू हुआ या अंडर वाटर एयर और टनल ठीक है तो जिसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे बाय डिप्लॉइंग डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट जैसे कि सर्किट टेलीविज़न कैमरा हो गया थर्मल इमेजर हो गया और आया नाइट विजन

लेजिटिमेट चेड इम्प्रूव द इंटेलिजेंस इनपुट एंड द सर्विलेंस ठीक है थ्रू द रिमोट सेंसिंग सेंसिंग सेटेलाइट हो गया या रडास सैटेलाइट हो गया इस तरीके से बाकी जो सेटेलाइट्स है सेंसर्स है ठीक है उसका यूज़ करके हम जो है नाइट और डे ठीक है उसके साथ साथ ऑल टेरेन में जो है और उसके साथ साथ ऑल वैदर इनपुट्स जो है वैदर कंडीशंस में जो है सर्विलेंस कर पाएंगे ठीक है एंड यहाँ पे कमेटी का भी मेंशन किया गया है मधुकर गुप्ता कमेटी ठीक है ऑन अ बॉर्डर प्रोटेक्शन ठीक है जिन्होंने रिकमेंड किया था यूनियन गवर्नमेंट को कि वो स्ट्रेंथन करे बॉर्डर सिक्योरि बॉर्डर प्रोटेक्शन एंड एड्रेस करें वनरेबिलिटीज़ फेंचिंग इंडो इंडो पैसे इंडो पाकिस्तान बॉर्डर ठीक है और ये जो प्रोग्राम है दिस लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ दिस कंपरेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट प्रोग्राम टू थाउजेंड एंड फिफ्टीन ठीक है इस तरीके से हमने देख लिया कि टेक्नोलॉजी का किस तरीके से एक मेजर रोल होता है इन द बॉर्डर मैनेजमेंट ठीक है पांच छः पॉइंट हमने कवर कर लिए पहला था अपग्रेडिंग एक्जिस्टेंसिस सिस्टम सेकेंड वन था चेकिंग इनफिल्ट्रेशन नेक्स्ट

कहीं प्लेन है या कहीं पे माउंटेन है एंड दस दिस जो एग्जिस्टिंग द बॉर्डर काफी सारे जो इनलीगल एक्टिविटी को है फ्लोरिश uh, करती है ठीक है एंड दस दिस इज मेजर इशू इन बॉर्डर मैनेजमेंट नेक्स्ट वन क्या है कंस टेस्टेड इंटरनेशनल बॉर्डर ठीक है जैसे हम जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है पाकिस्तान की जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है ठीक है पाकिस्तान के बॉर्डर के यहाँ पे हमारा काफ़ी ज़्यादा एक हिस्ट्री अगर देखा जाए तो मि मिस्टर्स जो है चलते ही आ रहा है एंड दस एक कॉन्स्टेंट जो डिस्प्यूट है हमेशा ही रहा है एंड अलॉन्ग विद जो हमारा india or is border hai, india's border with the myanmar it is also being threatened by the several inter insurgent group and thus uh, we can found that a centuries in the jungle along with the border and the border uh, jo issue a political uh, border issue

जो करेंटली जो है इट इज़ गार्डेड बाय द मिलिट्री एंड द पुलिस फोर्सेस, ठीक है एंड दे यूज टू रिपोर्ट वॉट द इंफॉर्मेशन ठीक है दे एक्वर्ड दे यूज टू रिपोर्ट इनटू टू द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन द सेंटर एज वेल एज दैट पर्टिकुलर स्टेट एंड दस वी कैन दैट बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ठीक है बॉर्डर मैनेजमेंट टास्क इज टास्क Address and leading to the duplication of efforts to the security forces. Okay? Because they used to

टेर भी होता है कि वहाँ पे सारा लेके जाना क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेक्स्ट वन क्या है पुअर इंटेलिजेंस एंड द रिसोर्स इफिशंसी ठीक है जैसे हम जानते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज है आर इल इक्विप टू हैंडल द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड दिस पुअर इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज एंड द

बॉर्डर सिक्योर होगा तभी हम जो है जो पीपल्स ए कंट्री के वो उनके जो इकोनॉमिक और सोशल प्रॉस्पेरिटी जो है उसको प्रॉपरली एन्जॉय कर पाएंगे ठीक है काफ़ी ज़्यादा एफ, एफर्ट्स जो है ठीक है एफर्ट्स शुड बी मेड दैट यूटिलाइज द नॉलेज अवेलेबल इन द प्राइवेट सेक्टर्स ठीक है इन कंटेस्ट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द सर्विलेंस इक्विपमेंट ठीक है काफ़ी ज़्यादा तो प्राइवेट सेक्टर्स है ठीक है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट ब्रांचेस है ठीक है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और सर्विलेंस रिलेटेड इक्विपमेंट है ठीक है उस पर जो है काफ़ी ज़्यादा उसको यूज़ करें उसको यूटिलाइज करने पर एफर्ट डालना चाहिए उसके साथ साथ जो है प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए एंड अपग्रेडेशन होना चाहिए डाटा का ठीक है जैसे कि बायोमेट्रिक डिटेल्स हो गए ठीक है इन द बॉर्डर ठीक है थी मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है सर्विलेंस और मेंटेनेंस होना चाहिए डाटा का ठीक है क्या हो रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से डिप्लॉयड हुए हैं या किस तरीके से जो भी है ठीक है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस जो है ठीक है किस तरीके से हम जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हुआ या बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो गया इन सबको किस तरीके से हम जो है सर्विलेंस uh, को प्रॉपर इम्प्रूव कर सकते हैं प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हैं इन सब पे जो है गवर्नमेंट को थोड़े एफर्ट्स डालने डालने uh, चाहिए ठीक है ठीके? इस तरीके से जो है हम एक पॉजिटिव कंक्लूजन कर सकते हैं एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर टू सेक्शन ऑफ अ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द बॉर्डर मैनेजमेंट एंड वी कवर द सक्योरिटी पोर्शन एंड इन दिस वे I end up today's section. Have a nice day. Thank you.